देखिए दोस्तों, बारिश शुरू हो गई है। मुश्किल से 15-20 मिनट की बारिश हुई है और जो नीचे जंगली रिजॉर्ट के नीचे नदी है वो तो कितनी ज़बरदस्त तरीके से बह रही है। मैं भीग जाऊंगा इसलिए मैं शेड में खड़े होकर बना रहा हूं। लेकिन आप देखो, ये पास से जूम देखो, धारा देखो, बिल्कुल उफान मारती हुई धारा है। ये वही जगह है जहाँ से हम जिप्सी लेके आते हैं या गाड़ी लेके आते हैं। यहाँ पे हमारा गेट है। ये जो ये एरिया दिख रहा है उसके पीछे भी देखिए, ऐसा लग रहा है बाढ़ का पानी है, पर वो पेड़ पौधे बह के जा रहे हैं। ये देखिए पेड़ों के डाल वगैरह बह के जा रहे हैं, एकदम बाढ़ के पानी की तरह से नदी बह रही है। 15-20 मिनट का पानी है, झमाझम बारिश शुरू हुई है। देखिए बारिश दिख रही होगी आपको कैमरे में। ये देखिए, मैं अभी टेरेस हाउस की शेड में खड़ा हूँ। तो ये होता है, इसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड। पहाड़ों में एकदम से नदी आती है, अब जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पे इतनी ज़ोर से नदी बह रही है। अब ये देखिए जंगली रिजॉर्ट की ब्यूटी बारिश में। सामने, ठीक सामने बादल आ गए और धीरे धीरे नीचे ही आ जाएंगे और यहाँ तक भी आ जाएंगे। वो पूरा मणिकूट पर्वत जो हमेशा दिखाता हूँ मैं, टाइगर टेरिटरी, इस वक्त टाइगर बादल के अंदर है और ये सामने बादल उतर रहे हैं नीचे। और हल्की बारिश में आपको दिखा देता हूँ, वो देखिए कितनी ज़बरदस्त नदी चल रही है। ये देखिए जिस नदी से हम आते हैं, गाड़ियाँ लाते हैं, इतनी ज़बरदस्त आधे घंटे की बारिश में चल रही है। और जैसे ही बारिश रुकेगी एक घंटे बाद ये पानी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों जरा सी बारिश हुई और कैसा नज़ारा हो गया हमारे, ये दिख रहा है जंगली रिजॉर्ट पीछे। वो रास्ता दिखाने के लिए मैं ज़रा नीचे तक जा रहा हूँ, क्योंकि ये बारिश जब होती है तो ये नदी चलती है और बारिश जैसे ही रुकती है, अभी पूरी तरह नहीं रुकी लेकिन जो मूसलाधार बारिश हो रही थी वो रुक गई है, नॉर्मल रिमझिम रिमझिम पानी गिर रहा है। और ये देखिए पूरा रास्ता दिखना बंद हो जाता है। तो ये नदी, नीचे वाली नदी का क्या हाल है वो भी देखते हैं। और ये मिट्टी थोड़ी रेतीली मिट्टी है, अभी मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा है जरा सा, तो ये धंसने लगती है। अगर गाड़ी में एक जगह रोक दूंगा ना तो धंस जाएगा टायर, तो क्योंकि ये जिप्सी इसलिए ले आया, सिलेरियो तो आती भी नहीं। हाँ कल ठीक हो जाएगा रास्ता इसे, अगर बारिश रुक जाएगी। अभी तो खैर बारिश आई नहीं है, जैसे ही एक दिन की धूप आएगी ये रुक जाएगी। अब ये देखिए इस वक्त समझ में नहीं आ रहा रास्ता कहाँ से है, नामो निशान मिट चुके हैं रास्ते के एक बारिश में। और उसके बाद जब सूख जाता है तो उसमें दो दिन गाड़ी चलेगी फिर रास्ता बन जाता है। अब मैं ऐसे ही चढ़ा देता हूँ इधर, हालांकि पहले रास्ता यहां से नहीं था, वहां कहीं से था, लेकिन जिप्सी तो चली जाएगी चाहे जहां से। ये लेबरर्स, कई लोगों ने कई वीडियो में पूछा है कई लोग बैठे होते हैं कौन है, ये लेबरर्स हैं। और यहाँ पे जहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी ना वहीं फंस जाएगी है, चलती गाड़ी में घुमाना पड़ेगा मुझे। मैं सोच रहा था अब बारिश रुके तो आप लोग को एक फील कराने के लिए मैं ले आऊंगा। अब ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे मैं खड़े होकर लाइव करता हूँ, टाइगर टेरिटरी दिखाता हूँ। पूरा एक मैदान सा होता है यहाँ पे, अब पूरी नदी है, अब यहाँ पे फंसने के चांसेस है क्योंकि यहाँ मिट्टी बहुत हार्ड है। टिटहरी भी इसके लगता है बेचारी के अंडे डूब गए हैं, भाग रही है यहाँ से वहां। अब समझ में यार घुमाऊं कहाँ से गाड़ी, तेजी से चला देता हूँ जहां से भी होगा। ये जिप्सी की यही तो खासियत है, ये फंसती नहीं है। अभी टायर घूम रहा था लेकिन मैंने समझदार, ये भूरी का घर है जो आपको अक्सर वीडियो में दिखता है, तो इस वक्त बिना रोड के हम कहीं पे भी चल रहे हैं, नदी नदी में ही चल रहे हैं। और जहां गाड़ी रोक दी वहीं रुक जानी है। ये यहाँ गलत चले गए, थोड़ी रेस बना के रखनी पड़ेगी।
ये देखो, जिप्सी को चाहे जहां डाल लो, गाड़ी नाच रही है यहां से। वहां पानी पानी में ही चलना ठीक है मेरे ख्याल से। और तो रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं मैं आया कहां से था। मैं समझ में नहीं आ रहा मैं आया कहां से हूं, भटक गया रास्ता में। यहां से नहीं आया था। क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है और थोड़ा सा फ्रॉस्ट जमा हो रहा है, तो मैंने डिसाइड किया भाई पानी पानी चलो। ये उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा। ये पत्थर अरे यार बीच में आ गया, तो मैं गलत आ गया, बहुत ही गलत आ गया। अरे बाप रे, बड़ी बड़ी चट्टानों पे चढ़ गई गाड़ी, ये गलत भटक गया था मैं। अब सही आया, अब मैं फोन बंद करूं कि, क्योंकि मुझे गाड़ी चढ़ानी पड़ेगी, ऊपर नीचे छोड़ नहीं सकता। चलो एक हाथ से ही चढ़ाता हूं। वैसे इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं है ना, आ गए दोस्तों। बड़ी खतरनाक यात्रा हो गई थी ये तो। वोट लगा दूं तो ये है सीन दोस्तों। लेकिन जो लोग जिप्सी के फैन है ना, वो इसलिए फैन है कि देखो अभी जो एक काम करके आई है ना, कमाल करके आई है। बड़े बड़े बोल्डर्स पे चढ़ती हुई जो नदी ने बहाए थे, जहाँ रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा था। आप देखो ये बर्डिंग हट्स हैं और इसके नीचे नदी कितनी जोरदार बह रही है। और जो अभी हमने किया वो तो आपने देखा ही दोस्तों। अंधेरा हो रहा है और 5 सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो उनको रास्ता समझ में नहीं आता क्योंकि पूरे रास्ते में ऐसे इस तरह से नदियां बह रही हैं। तो जब मुझे यही रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, अभी आपने देखा जहां मेरा रोज का है जिसमें पैदल भी चलता हूं, तो वो रास्ता कहां समझ में आएगा। तो मैंने शमशेर को भेज दिया जिप्सी लेके। जिप्सी का यही एडवांटेज है, तो क्योंकि पहले जिप्सी पिकअप ड्रॉप ले तो 1000 रुपये या 1200 रुपये वन वे लेती थी, अभी तो पेट्रोल पेट्रोल के खर्चे पे गाड़ी में भेज देता हूँ कि गेस्ट को दिक्कत ना हो। उसमें गेस्ट जिप्सी में बैठ के नहीं आएंगे, ये गाड़ी आगे आगे चल के आएगी रास्ता बताने के लिए। वो अपनी गाड़ी से ही आएंगे, सुबह वो अपनी गाड़ी से लौट जाएंगे दिन के उजाले में। और दूसरी खुशखबरी ये है दोस्तों कि शायद वही मोर वापस आ गया है, क्योंकि अभी यहीं से बिल्कुल मोर बोल रहा था। अब वही वाला है कि दूसरा है नहीं मालूम, लेकिन अगर तो वो मर गया तो दूसरा आ गया, और क्या पता वही आ गया हो। उम्मीद तो कर रहा हूँ कि वही आया है। और अभी जब मैं गाड़ी चला के गया था, जिप्सी लेके गया था, तो ये टिटेरी लैपविंग जो बोल रही है टिट टिट टिट, ये बड़ी परेशान होकर घूम रही थी वहाँ पे। इसका एक वीडियो भी हमने बनाया था, अगर आप रेगुलर देखते हो तो लगता है इसके अंडे बह गए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसने ज़मीन पे अंडे दिए होंगे। वो पानी इतना तेज चला था, इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, उसमें अंडे बच ही नहीं सकते। उसका जजमेंट गलत हो गया होगा बारिश का, या ये विपरजॉय का इफेक्ट होगा, जिस टाइम पर बारिश आती नहीं है तब आ गया कि बहुत परेशान होकर यहाँ वहाँ घूम रही थी। गाड़ी में रोक नहीं सकता था, मैं रोकता भी तो क्या करता, रोकने से फंसने के चांसेस थे क्योंकि ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा धंसने वाली हो जाती है। तो इसलिए मैंने गाड़ी रोकी नहीं, और रोकता तो क्या करने वाला था। लेकिन मुझे यही जजमेंट हो रहा है कि वो परेशान होकर जिस तरह से घूम रही थी, उसके अंडे बह गए होंगे। तो दोस्तों ये एक बारिश का एडवेंचर दिखाया मैंने आपको, बहुत छोटा सा वीडियो है, इसमें बड़ा बन नहीं सकता था। तो अब बारिश रुक गई है, जबरदस्त बारिश हुई थोड़ी देर, और उतने में इस नदी ने अपना रूप दिखा दिया, रौद्र रूप। अब शांति है जंगल की। ये कोयल भी बोल रही है, पीकॉक एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बारिश पसंद है, लेकिन एक बर्ड टिटहरी यानी लैपविंग दुखी है
क्योंकि बारिश गलत टाइम पे आ गई। उसका जो अंदाजा था मानसून का, जिसके पहले उसके बच्चे निकल जाते, वो नहीं हो पाया शायद। कहीं खुशी कहीं गम। अब ये जो पीकॉक वापस आ गया, ये खुशी है वही वाला है कि नहीं मालूम नहीं। अभी रास्ते में पानी ज़्यादा था, जब शमशेर गया लेने गेस्ट को तो मालूम चला कि विंध्यवासिनी के आगे दो बोलेरो अटकी हुई हैं। तो फिर हमने गेस्ट को मना कर दिया था, क्योंकि अचानक से बुकिंग थी, एडवांस भी नहीं था, तो क्योंकि उनकी गाड़ी फंसती। अब जिप्सी से मैंने शमशेर को बोला था वापस आ जाओ, अब वो नीचे आ चुका है रिजॉर्ट के। अब बोल रहा है कि क्लच काम नहीं कर रहा है, क्योंकि क्लच प्लेट गीली हो गई है वो अपना। तो मैंने बोला उसको, भाई तू फर्स्ट गियर मत डाल। जैसे बोल रहा मैं गियर डाल रहा हूँ, वो बंद हो जा रही गाड़ी। मैंने कहा सेकंड गियर डाल। क्या हुआ, नहीं हो रहा सेकंड गियर में? थर्ड डालो। रेस ज्यादा देके, अच्छी लंबी रेस देके, झटके से भागे गाड़ी से दूर हट जाना। तो ये जंगल में एडवेंचर होता है दोस्तों। जब ये स्टार्ट हो गई, अब ये लाइट दिख रही है आपको गाड़ी की, क्लच नहीं काम कर रहा। ये पहले मैंने बोला थर्ड डाल, फुल रेस दो और रेस दो, और डालो फर्स्ट गियर डाल दो, फर्स्ट डाल दो। मैं नीचे जाता हूँ। क्या वो नहीं आ रही? तो हमने वो तो बचा बचा के पट्टा हो रहा है, एक नंबर में जा रहे थे। नहीं, एक में क्या था, तुम दो में जाओगे? ऐसे में एक नंबर पे ही जाया जाता है। ये कह रहा रेस देख के गाड़ी के लिए जाना था। हाँ पागल है वो, तुम भी मतलब नीम हकीम खतरे जान, उससे पूछ रहा हूँ, उससे जिंदगी में जो गाड़ी चलाई नहीं हो तुमको ज्ञान दे रहा है वो। ये कह रहा सर कह रहे थे। नहीं मैं जैसे सर कह रहे थे रेस में जाना। नहीं सर, जैसे ले जा रहे थे नीचे को। हाँ तो फर्स्ट गियर में रेस दे के जाओ। फर्स्ट गियर में जा रहे थे। हाँ कभी भी सेकंड गियर लगाओ मत ऐसे में। वही कह रहा था मैं भी। फर्स्ट में गया, फर्स्ट में आ रहे हैं। अब ये ध्यान रखना, बारिश का तारे दिख रहे हैं? नहीं अब दिक्कत नहीं है, वहाँ पर जहाँ खड़ी है वहाँ। जब बारिश आएगी तब पूरी कोशिश करेंगे। पता चला कौड़िया मिले ये? नहीं नहीं, रात को बारिश गिर गई तो धक्का मार के पूरा ऊपर लाड़ी की गढ़मुक्तेश्वर मिलेगी फिर? नहीं मैं जगा देता हूँ 2 बजे तक। तुम जगह रहते हो? दिखाओ शक्ल अपनी। कह रहे मैं 2 बजे तक जगह रहता हूँ। 3 बजे तक भी जगा सकते हो? उठा कितने बजे? 3 बजे तक भी जगा सकते हो? उठा कितने बजे? वो अलग बात है, 9 बजे उठाओ। रात को ध्यान रखना अगर बारिश होगी तो, ठीक है। 3 गाड़ी फंसी है वहाँ। कहाँ? किस किस की गाड़ी है? एक उसकी है, क्या नाम, ऊपर के क्या नाम बता भाई? विकास, विकास की। हाँ दो, एक स्कॉर्पियो है। हाँ स्कॉर्पियो किसी गेस्ट की है? पता नहीं कहाँ की। मंदिर दर्शन करने वालों की जो होगी, लोकल नंबर सारे दुकान हटाने शुरू कर दिए। दुकान? हाँ जो नीचे वाले मंदिर वाले थे। अच्छा हटानी शुरू कर दी। दो तो चली गई। सुनील का है अभी तो चली गई, मतलब हटा लगे। अच्छा एक सुनील का ये भी हटा रहा था। तो अब नहीं लगाएगा? लगाएगा अब नहीं लगाएगा। नहीं ये वाली रोड बहुत लगाएगा, पूरी रोड टूटी है। हाँ उसके मम्मी सुनील का रहे तभी बोले भैया बचा के जाओ, नहीं पूरा एकदम। ये तो जो मिट्टी रोड के आ रखे ना, ये गीली होके आ रहे हैं, पूरा चक्का नाच रहा है। पता नहीं इसी से हुआ क्या हुआ, गर्म हुए क्या। तो देखो कल सूखती है तो वो ठीक होती की नहीं होती, ये तो मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। नहीं क्योंकि पूरा यहाँ से वहाँ गीली हो रखे।